फैक्ट्री में गाड़ियों की मदद से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। नोएडा थाना 58 की पुलिस द्वारा आज तड़के सुबह को फोर्टिस अस्पताल सेक्टर 62 नोएडा के सामने मेन सड़क से चेकिंग के दौरान करण, सुभाष, अंकुर, अजय, चंद्रमोहन, समीर द्विवेदी, दानिश को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 110 पैकेट कपड़े के सूट के बंडल बरामद किए हैं। साथ ही अगम्या कंपनी की अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रुपए के साथ इन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सेक्टर 63 नोएडा की जीएसटी द्वारा सील बंद कंपनी B18EVs.com प्राइवेट लिमिटेड के बगल वाली कंपनी में गार्ड चौकीदार चंद्रमोहन दिन में फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता है और रात में फैक्ट्री में रेकी करता है। वह फैक्ट्री की सूचनाएं देता है। गार्ड चंद्रमोहन की सूचना के अनुसार ये लोग फैक्ट्री में चोरी करते हैं। वह चोरी करने के समय दानिश व दानिश का साथी समीर बाहर घूम फिर कर रेकी करते रहते हैं। जैसे ही रोड पर सुनसान अवस्था होती है तो ये लोग कंपनी से माल चुराकर अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर रखकर दानिश द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा देते हैं। यह काम ये लोग पिछले 5-6 महीनों से कर रहे हैं तथा थोक मार्केट व साप्ताहिक बाजार में कपड़ों को लाखों रुपए में बेच देते हैं। अगम्या एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसका विदेशों में आयात निर्यात किया जाता है। एक पैकेट की कीमत लगभग 20,000 रुपए है। आज भी इनके द्वारा बनपरी फैक्ट्री में कपड़े की चोरी की गई है। जिस कपड़े के साथ पुलिस ने इन्हें पकड़ा है यह कपड़ा इन्होंने उसी कंपनी से चोरी किया है। गैंग का सरगना समीर द्विवेदी है जो बंद पड़ी फैक्ट्रियों को ही टारगेट करके गार्डों की मदद से चोरियां करता है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि इन चोरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। नोएडा जोन में क्राइम को अंकुश लगाने के लिए प्रति दिवस हम लोग अलग अलग टीम निकाल कर चेकिंग करते हैं। रात्रि में खासतौर से जो लगातार घटनाएं चोरी का हो रही थी उसको कम करने के लिए और जो घटनाएं हो रही थी उसको खुलासा करने के लिए हम लोग लगातार टीम बनाकर काम भी कर रहे थे। इस दृष्टिकोण हमारा एडिशनल डीसीपी नोएडा रणविजय और ACP2 रजनीश वर्मा का नेतृत्व में एक अलग से टीम बनाई गई थी जो रात्रि में अलग अलग समय पर चेकिंग करते हैं। कल रात्रि में सेक्टर 58 में जो फोर्टिस हॉस्पिटल के सामने जब SHO का टीम द्वारा चेकिंग कर रहे थे उस समय दो संदिग्ध लोग बाइक से आ रहे थे। उन लोगों को चेकिंग करने ये पता चल गया कि ये दोनों जो बहुत ही कीमती कपड़ा है अगम्या ब्रांड करके एक कंपनी है जो सेक्टर 63 में है उस फैक्ट्री से चोरी करके आ रहे थे और उन लोगों को निशानदेही से और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें एक कंपनी का गार्ड भी है जो इन लोगों का मदद भी करता है, रात्रि में रखी भी करता है और कुल इसमें 110 पैकेट जो एक्सपोर्ट ब्रांड का कपड़े हैं वो बरामद हुए हैं। एक पैकेट का कीमत मार्केट वैल्यू है MRP 20,000 रुपीस है तो कुल 22 लाख का कीमत जो सामान है हम लोग बरामद किए हैं जो चोरी का है। इसमें कुल 7 लोग हैं, उसमें एक मुख्यतः एक चोर है समीर है, वो 2017 में भी जेल जा चुका है चोरी में और लूट में भी जेल जा चुका है और इनका क्रिमिनल हिस्ट्री सब निकाले गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो समीर चोर पकड़ा गया है क्या वो पहली बार में कभी चोरी की थी, इससे पहले भी चोरी कर चुका है? नहीं, 2017 में भी ये जेल गया है, लूट में भी जेल गया है और इनका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक जो निकाला गया है ये इससे पहले 3-4 बार जेल में जा चुके हैं। तो ये जो कपड़े चोरी करते थे एक ही कंपनी से करते थे? अभी जो पूछताछ में ये निकल के आ रहा है कि एक ही कंपनी से ये तीसरी बार चोरी करके आ रहे थे तब पकड़ा गया। इससे पहले भी 2 बार चोरी कर चुके थे जो किसी को पता नहीं था क्योंकि वो कंपनी काफ़ी समय से पिछले 1.5 साल से वो कंपनी बंद था। कंपनी में CCTV फुटेज अगल बगल का हम लोग निकाले गए थे, उसी से पता चल गया कि ये इस तरह का गार्ड भी इन्वॉल्व है तो इसलिए वो जो कंपनी से चोरी हुआ तो उसका बगल वाला कंपनी का गार्ड है उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।